दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के जिरात गांव में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की आज सुबह शव बरामद किया गया है। इस घटना को लेकर बिलार पुलिस मुख्यालय में एडीजी जेएस गंगवार ने कहा कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, घटना स्थल पर 3 गिलास मिले हैं और नीचे में 2 मोटरसाइकिल भी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया है। उन्होंने दावा किया कि 8 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि उन्होंने अभी तक नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने 8 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लेने की बात कही है तो कहीं ना कहीं यह इशारा करती है कि पुलिस अपराधियों तक पहुँच चुकी है और सर्विलांस एवं अन्य उपकरणों के आधार पर पुष्टि करके उनकी गिरफ्तारी कर लेगी। कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनकी, उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की संगत जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। FSL की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। FSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपये और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जाँच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में पुलिस मुख्यालय की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा